औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि 1 प्लस एक्स उसका अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स और उसका भी अंडर रूट। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट करते हैं। लेट वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स अंडर रूट। इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि इसको पावर में लेते हैं, क्योंकि हमें पावर वाला फार्मूले का पता है या फ्रैक्शन। तो अंडरस्टूड बात है कि कोई भी अंडर रूट है तो उसकी पावर जो है वो 1/2 होती है। तो 1 प्लस एक्स और उसकी पावर जो है 1/2 लिख देते हैं अंडर रूट की जगह, और ये क्या होगा 1 माइनस एक्स और इसकी भी पावर क्या है 1/2। नेक्स्ट क्या है, आपको फार्मूला का मैंने बताया था कि फ्रैक्शन वाला फार्मूला, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड और सेकंड का स्क्वायर। तो वो यहाँ पर हम अप्लाई, सबसे पहले दोनों साइड पर डेरिवेटिव लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इधर भी डेरिवेटिव लिया डी ओ डी एक्स, और ये हमने 1 प्लस एक्स होल की पावर 1/2 ओवर 1 माइनस एक्स और उसकी पावर 1/2। अब यहाँ पर हम फार्मूला जो है अप्लाई करते हैं फ्रैक्शन वाला, तो वो हमारे पास क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड और सेकंड का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पर डेरिवेटिव सेकंड ओवर सेकंड का स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स उसकी पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पावर वाला फार्मूला होता है, तो किसी भी जो है वो पावर में कोई भी अगर वेरिएबल होता है उसका जो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/2 और ये हमारे पास क्या होगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एन एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब कि 1/2 माइनस वन फार्मूले वाला, तो माइनस वन था तो इसलिए माइनस 1/2 यहाँ पर जो है रिमेनिंग हो जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो यहाँ पर पूरा 1 प्लस एक्स ये डेरिवेटिव एक्स है, तो एक्स 1 जो है 0 हो जाएगा, एक्स क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स और उसकी पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये पावर है, तो क्या हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है 1/2 माइनस वन माइनस 1/2 आएगा। और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, अब यहाँ पर जो है 1 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस वन। ओवर जो है हम लिखते हैं इसको इस तरह लिख देते हैं, क्योंकि ओवर है तो हम इस तरह 1/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया था। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वन ओवर 1 माइनस एक्स। अब देखें ये हमारे पास 1 माइनस एक्स और इसकी पावर 1/2 है। अब यहाँ पर जो है 1/2, ठीक है, ओवर 2 ये वाला नीचे लिखें। अब देखें हमारे पास माइनस में है अंडर, ये अंडर रूट ही होता है ना 1/2। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आते हैं, तो ये 1 प्लस एक्स बन जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, माइनस, ये माइनस माइनस, ये माइनस है और ये माइनस माइनस, प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास वन प्लस ये एक्स। वन बाय टू का क्या मतलब है, अंडर रूट ओवर टू है नीचे, तो ये हमारे पास हो जाएगा टू और ये देखिए माइनस में है, नीचे ले आ जाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। अब मज़ीद इसका हल करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, वन ओवर वन माइनस एक्स अब ये एलसीएम इनका लेते हैं तो एलसीएम इनका क्या होता है जी, टू अंडर रूट वन प्लस एक्स अंडर रूट और डॉट वन माइनस एक्स अंडर रूट। तो यहाँ से पॉजिटिव वाला कैंसिल होगा, माइनस वाला बचेगा, तो माइनस वाला पहले भी अंडर रूट है, तो जब दो अंडर रूट मिलेंगे तो एक मुकम्मल अदद बनता है, तो मुकम्मल अदद क्या बनेगा, वन माइनस एक्स। नेक्स्ट ये वाला कैंसिल होगा, ये माइनस वाला और टू भी कैंसिल होगा, प्लस बचेगा, प्लस दो जब अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो भी मुकम्मल एक अदद बनेगा, तो हमारे पास वन प्लस एक्स, तो ये हमारे पास होगा। अब ये माइनस प्लस का एक्स और माइनस का एक्स जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाता है, तो ये भी वन प्लस का है, ये भी वन प्लस का है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा ओवर टू इंटू वन प्लस एक्स और इंटू वन माइनस एक्स अंडर रूट इंटू, अच्छा इंटू क्या है, ये वाला वन ओवर वन माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है, अब देखिए ये वन माइनस एक्स की पावर यानी वन है और इसकी वन बाय टू है, तो दोनों की बेस सेम है, तो हम क्या करते हैं, टू ओवर ये टू टू से कैंसिल कर देते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है टू, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, वन ओवर, अब देखिए वन प्लस एक्स अंडर रूट डॉट, अब देखिए वन माइनस एक्स अंडर रूट ये और ये इनकी बेस सेम है, इसकी पावर वन बाय टू है, इसकी पावर वन है, तो क्या होगा, वन माइनस एक्स उसकी पावर यानी वन बाय टू प्लस वन, तो वन बाय टू प्लस वन क्या होता है हमारे पास, थ्री बाय टू, तो इसको यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ थ्री बाय टू, तो ये हमारा जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा, तो ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर इलेवन करते हैं, क्वेश्चन नंबर इलेवन इसमें वो कहता है कि टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वन और उसका अंडर रूट। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने लेट करना होता है, लेट वाई इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन और इसका अंडर रूट। नेक्स्ट हमने क्या करना है, फ्रैक्शन हमने दोनों जो है साइड पर डेरिवेटिव लेना है, तो डी ओवर डी एक्स इधर भी हम ले लेते हैं और इधर भी हम डी ओवर डी एक्स ले लेते हैं, तो टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन और इसका अंडर रूट। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब हम इसका क्या लेते हैं डेरिवेटिव, फ्रैक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड ओवर सेकंड का स्क्वायर, तो ये हम लिखते हैं सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट और अंडर रूट स्टोर्ड बात है कि वन बाय टू के इक्वल होते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड ओवर सेकंड का, ये सेकंड है ओवर सेकंड का
तो ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वन और उसकी पावर क्या है, वन बाय टू और फार्मूले वाला स्केयर, तो ये स्केयर इससे कैंसिल होगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास ये इसको अंडर रूट हो जाएगा, वन बाय टू का क्या मतलब है अंडर रूट, तो ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वन और इसका अंडर रूट इंटू, अब देखिए इसका डेरिवेटिव लेंगे, टू कांस्टेंट बाहर ले आएंगे, एक्स का डेरिवेटिव वन, तो वन टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू आ जाएगा, माइनस वन, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली टू आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये माइनस, ये एज इट इज़ लिखेंगे टू एक्स माइनस वन, और यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं एक्स स्क्वायर का, तो वो क्या होता है टू एक्स होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है टू एक्स। अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है कि ये ऊपर इसकी पावर है, तो पावर वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो वो क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एन एक्स की पावर, यहाँ पर एक्स जो है ये वाला सारा है, तो एक्स की पावर एन माइनस वन डेरिवेटिव, एन माइनस वन यानी कि वन बाय टू माइनस वन, माइनस वन बाय टू आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यहाँ पर ये वाला सारा एक्स है, तो यहाँ पर टू एक्स प्लस वन का क्या डेरिवेटिव है ज़ीरो, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं टू एक्स। उसके उसके बाद इसका बटा जो है हमारे पास ये वाला कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, तो ये हमारे पास बच गए। नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमारे पास अब ये टू, इसको बेशक शुरू में ले आए टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स इंटू टू एक्स माइनस वन ओवर, नीचे ले आए इसको, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन और इसका अंडर रूट, तो इसमें कॉमन क्या आता है, इसमें कॉमन आता है ये, हम इसको बटे में अलहदा रह लेते हैं, क्योंकि ये बटा है, क्योंकि नीचे लिखेंगे तो हमारी जगह जो है वो ज़्यादा लगेगी, तो लिहाजा हम इसको वन बाय फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये वन बाय फॉर्म में हम एक्स स्क्वायर प्लस वन। नेक्स्ट क्या होगा कि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये शुरू में ले आएँ वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये हमारे पास हो जाएगा टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन और इसका अंडर रूट, तो ये हमारे पास नेक्स्ट, इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या बनेगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू और माइनस जो है इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो ये क्या होगा माइनस टू एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स, ये वाला ओवर जो है हमारे पास, ये नीचे जो है हमारे पास क्या होगा, ये भी क्योंकि बेस ये दोनों सेम है, इसकी पावर वन बाय टू है, इसकी पावर वन है, तो वन प्लस वन बाय टू क्या आएगा थ्री बाय टू, तो हमारे पास एक्स का स्केयर प्लस वन और उसकी पावर क्या आ जाएगी थ्री बाय टू, ये वन बाय टू और ये वन, ये आपस में जब प्लस होंगी पावरें तो वन प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू थ्री बाय टू, तो अब देखें हमारे पास ये टू एक्स का स्केयर और ये टू एक्स का स्केयर क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास x बचेगा और 2 बचेगा, तो लास्ट पर हम क्या लिखते हैं dy वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास x प्लस टू ओवर जो है हमारे पास x का स्केयर प्लस वन और उसकी पावर जो है हमारे पास थ्री बाय टू, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ जाता है। तो इंशाल्लाह आज हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 और 11 को अच्छी तरह डिस्कस किया, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।